तो दोस्तों आपने भी अपने फेसबुक का प्रोफेशनल मोड ऑन कर लिया है, जाहिर सी बात है ऑन कर लिया होगा क्योंकि 90% लोगों ने ऑन कर लिया है, अभी 10% लोग कुछ ऐसे बचे होंगे जिन्होंने ऑन नहीं किया है। तो अभी तक अगर आपने भी ऑन नहीं किया है तो ये वीडियो देख के आप भी ऐसे ऑन कर सकते हैं, सारा सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनल मोड ऑन कर लिया है उसके बाद आपका पेज ग्रो नहीं हो रहा, मतलब जो प्रोफेशनल मोड वाला पेज है, प्रोफाइल को आपने कन्वर्ट किया पेज में, अगर आपका वो ग्रो नहीं हो रहा है, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको 5 सेटिंग करनी है। 5 ऐसी सेटिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अगर नहीं की है तो आपका पेज, आपका प्रोफाइल ग्रो नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं, वो 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग जो एक एक सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप करें तो आपका पेज, आपका प्रोफाइल भी फिर ग्रो करेगा। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई हमारे पेज पे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पेज पे कोई फॉलो करता है तो शो नहीं कर रहा है, भाई हमने प्रोफेशनल मोड को ऑन कर लिया उसके बाद भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई नहीं भेजेगा आज के बाद, सिर्फ लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको आपके फॉलोअर जो है दिन ब दिन बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे और सबसे पहले जाएंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो पहले हमें सेटिंग करनी है। तो मैंने खोल लिया फेसबुक, फेसबुक को ओपन करने के बाद हम लोग यहां 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, 3 लाइन पे, और यहां सेटिंग के सिंबल पे जाएंगे, मतलब सेटिंग में जाना हमने अपने फेसबुक के सेटिंग में। यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोफाइल सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग पे हम लोग क्लिक कर देंगे। बड़ा ही गौर से देखना, हर एक चीज आपके काम की होने वाली है। उसके बाद देख सकते हैं यहां पे प्राइवेसी लिखा हुआ है, प्राइवेसी पे क्लिक कर देंगे। प्राइवेसी पे आने के बाद फिर ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेसी शॉर्टकट्स, ठीक है, इस पे हमने क्लिक करना है। लिखा हुआ है चेक है फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग, आपको चेक करना है इसे, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। इस पे क्लिक करने के बाद देख ले यहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा, आपके प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, पोस्ट एंड स्टोरी एंड ब्लॉकिंग, ठीक है। तो इसको हमने करना है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहां मेरे ऊपर नंबर और ईमेल आईडी है तो मैं ये ब्लर कर दूंगा, अपना नंबर तो जाहिर सी बात है कोई शो नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी है, तो उसको ओनली मी ही रखेंगे, ठीक है, उसको पब्लिक ना करें। अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप, उसके बाद उसके नीचे जो आती है ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी अगर आपको पब्लिक रखनी है तो आप पब्लिक कर सकते हैं, नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं, आप ना करें। अब यहां देख सकते हैं नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको पब्लिक ही रखनी है, ठीक है। उसके नीचे आपका होम टाउन आ गया, ये भी पब्लिक रखनी है। मैरिड अनमैरिड जो भी आप हैं ये भी पब्लिक रखनी है। फोन नंबर और ईमेल छोड़ के अगर आपकी चॉइस है वो आपको पब्लिक रखना है या ओनली मी रखना है। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे, जितने भी हैं नीचे जितने भी होंगे सारे के सारे आपको पब्लिक कर देने हैं। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, देख लें यहां पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पब्लिक, फ्रेंड, ओनली मी, लेकिन हमने पब्लिक करना है क्योंकि ये हमारा पेज बन चुका है तो पब्लिक ही करेंगे, सारे के सारे जो है हम लोग पब्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट कर जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देख लें स्टोरी आपकी, ये भी पब्लिक ही रहेगी, ठीक है, आप भी यहां से पब्लिक कर लेंगे। अगर आपका प्राइवेट है या ओनली मी है या फ्रेंड है तो यहां से आप पब्लिक कर लेंगे। तो इसको हमने पब्लिक ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मार देंगे। नेक्स्ट मारने के बाद देख लें सी यू आर ब्लॉकेड लिस्ट, ये मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक कर रखा है तो इसलिए वो दिखा रहा है, तो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट मार देंगे। अब देख लें यहां पे लिख के दे रहा है यू आर ऑल सेट, ठीक है, हमने सब सेट कर दिया है। रिव्यू अनदर टॉपिक, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब सेकंड में लिख के दे रहा है हाउ टू कीप यूर अकाउंट सिक्योर, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। अगर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, 2 फैक्टर अपने फेसबुक पे कैसे ऑन करेंगे उसी पे ये वीडियो है, तो आप भी अपना जो है अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी है, तो अगर ये सब बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद देख लें यहां पे हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देख लें यहां फ्रेंड रिक्वेस्ट, फोन नंबर, ईमेल, सर्च इंजन, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख लें यहां पे लिख के दे रहा है यू आर इन कंट्रोल हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है। अब देख लें इसको जो है क्लिक करेंगे और यहां मेरा जो है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, एक है एवरीवन, याद रखें आप, तो आपका कहीं गलती से एवरीवन तो नहीं है, ये आपको देखना है। अगर गलती से आपका ऐसा एवरीवन होगा तो गलत है, आपको यहां पे कर लेना है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, ठीक है, ऐसे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मार देंगे।
अब यहां पे आ जाते हैं, देख लें फिर से मेरा जो है फोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया है। तो ईमेल आईडी मैंने एवरीवन कर रखा है और फोन नंबर जो है ओनली मी है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट मार देंगे, ये मैं डन कर देता हूं, आपको आसानी से समझाता हूं। बैक आ जाते हैं, ये दो चीजें हो गई, हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहां देख लें लिखा हुआ है यू आर एक्टिविटी, एक्टिविटी में देख लें यहां पे लिखा हुआ है हु कैन सी यू आर फ्यूचर पोस्ट, ठीक है। यहां पे लिखना है आपको पब्लिक, मतलब पब्लिक करके रखना है आपको। अगर गलती से आपने फ्रेंड कर रखा है या फ्रेंड एक्सपर्ट कर रखा है तो आपको यहां पे पब्लिक करना है, ऐसे पब्लिक कर देंगे ये पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देख लें फिर हु कैन सी पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, मतलब आपके फॉलोअर, जैसे कितने फॉलोअर हैं आपके पेज पे, अगर आप शो करना चाहते हैं पब्लिक में तो ये भी पब्लिक ही करके रखें, अगर पब्लिक ही करके रखें, मेरी माने तो आप पब्लिक ही करके रखें, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ हु कैन सी योर फ्यूचर रील, इस पर क्लिक करके ये भी आपको पब्लिक ही रखनी है, फ्रेंड पे नहीं रखना है। और नीचे एक बात और रखें, नीचे देख लें अलाउ अदर टू शेयर योर रील टू देयर स्टोरी, मतलब इसका कहना है कि आप इसको, आपका बाय डिफॉल्ट हो सकता है नो हो, यहां नो पे क्लिक होगा ऐसे, अगर नो पे क्लिक होगा तो आप इसको यस कर दें। इसका कहने का मतलब ये, अगर आप कोई रील पोस्ट करते हैं तो कोई दूसरा बंदा आपकी रील को स्टोरी पे शेयर कर सकता है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, यहां पे लिख देंगे एस तो वो कर सकता है, क्योंकि आपका ही फायदा है कि आपका चेहरा वायरल होगा, आपकी वीडियो जो वायरल होगी साथ साथ आपका पेज भी वायरल होगा, तो ये ठीक है, आप इसको यस करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद देख लें फिर नीचे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, तो वही जो लास्ट में बताया था वही है, ये आपको यहां पे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही रखना है, एवरीवन नहीं रखना। जो भाई मुझे कहते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके बावजूद इतने ज्यादा आ रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो कहां से एक्सेप्ट होगा अगर आप 5000 फ्रेंड आपके कंप्लीट है पहले से, प्रोफेशनल मोड ऑन करने से पहले अगर 5000 फ्रेंड आपके कंप्लीट हो गए थे तो आप दोबारा से अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड रखा है, क्योंकि पब्लिक जो अनदर लोग होंगे वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर ही नहीं पाएंगे, उनको फिर लाजमी है फॉलो करना, इससे आपके फॉलोअर जो है बढ़ते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग बैक हो जाते हैं, सब कुछ मेरा पब्लिक है, सब कुछ मेरा पब्लिक है, बस यही एक चीज मेरा जो है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये देख लें। उसके बाद हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, ये मैंने एवरीवन रखा, मतलब कोई भी देख सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है कोई ब्रांड कोलैबोरेशन करना चाहे आपसे तो वो मेल कर सकती है, बस फेक के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो फिर सारी की सारी मेहनत आपके पारी फिर जाएगा, किसी हैकर ने आपको मेल कर दिया, आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, खत्म सब कहानी। अब नीचे देख लेंगे फिर, ये मेरे नंबर का है, ये मैंने ओनली मी करके रखा है, ये भी आपको, अगर आपको नहीं दिखाना है सबको नंबर तो ओनली मी कर लेंगे। अब नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक, तो इसको आप यस कर लेंगे, ठीक है। कैसे यस करेंगे देख लें, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहां से जो है आपका ऐसे ऑफ होगा, तो इसको जो है हम लोग ऐसे ऑन, यहां से ऐसा आपका ऑफ होगा, एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, ऐसा आपका ऑफ होगा और यहां से फिर हम लोग ऑन कर देंगे, ऐसे आप भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑन कर दिया और नीचे जो लिखा हुआ है अलाउ योर प्रोफाइल टू बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग सिमिलर प्रोफाइल, ऑन ही करें, सब कुछ ऑन कर दें, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हो गई, उसके बाद हम लोग बैक आ जाते हैं, पूरा बैक आ जाएंगे। अब हम लोग आ गए होम पेज पे, होम पेज पे आने के बाद देख लें, ये मेरी प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल डिटेल, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख लें यहां पे लिखा हुआ प्रोफाइल वीडियो क्रिएटर, बहुत से भाइयों का डिजिटल क्रिएटर है तो नहीं, वो भी गलत है, ठीक है, आप उसको करें वीडियो क्रिएटर। देख लें यहां पे कैटेगरी आपको करनी है वीडियो क्रिएटर, यहां पे जाके आपको पेंसिल वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना है और यहां से आपको चॉइस कर लेना है, ऐसे लिख लेना है वीडियो वीडियो क्रिएटर, देख लें ऐसे लिख के आएगा, फिर आप यस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और मेरा तो ऑलरेडी है इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा है, और जैसे आप ये करेंगे अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो वीडियो क्रिएटर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और एक देख सकते हैं लिंक्स, लिंक का ऑप्शन है, एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देख लें यहाँ पे यूपी 55 से जमाल टेक सपोर्ट, ये मेरे दो चैनल हैं YouTube के, ठीक है। अगर आपको भी YouTube चैनल ऐड करना है, Instagram ऐड करना है तो आप कहां से ऐड करेंगे, देख लें यहां पे लिखा हुआ ऐड सोशल लिंक्स, ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे,
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे आपके पास जो जो हैं इसमें से जो भी आप चलाते हैं, स्काइप चलाते हैं या टिकटॉक, तो बैन है टिकटॉक खत्म, व्हाट्सअप अगर आपको डालना है, व्हाट्सअप बटन लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप बटन, या ट्विटर का अगर अकाउंट इस पर ऐड करना चाहते हैं ट्विटर आपका हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, स्नैपचैट हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, जो आप चाहते हैं। मान लें आपको यूट्यूब करना है तो ऐसे यूट्यूब यहाँ चॉइस करके, और जो भी आपके यूट्यूब का नाम होगा यहाँ पर आप अपना यूजर आई डी, जो हैंडल हम कहते हैं आजकल, जो हैंडल होगा यहाँ पे आप लिख देंगे और यहाँ पे आप सेव कर देंगे, सेव करके फिर आपका यूट्यूब जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जो मेन टॉपिक है, बहुत से भाई मुझे मैसेज करते हैं इस पे हम लोग फॉलो का बटन कैसे लगाएं, फॉलो का बटन कैसे लगाएं, तो आपको एक साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, मैं आपको खुद दिखा रहा हूं, देख लें यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करते ही व्यू एज पे क्लिक करेंगे, और अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, देख लें फॉलो का बटन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फेसबुक अब लगा के दे रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपका यहां पेज पे लाइक लिख के आता है, पेज पे बहुत से पेज पे आपने देखा होगा लाइक लिख के आता है, तो वो लाइक का बटन ही अब फॉलो का बटन है, लेकिन प्रोफाइल पे बाय डिफॉल्ट जो है फॉलो ही आता है और ऑलरेडी फॉलो का बटन लगा हुआ है, तो आप परेशान ना हो फॉलो बटन कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी फॉलो का बटन लगा हुआ है। तो ये पांच सेटिंग थी दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके आप भी अपने प्रोफेशनल मोड अकाउंट पे जल्दी जल्दी ये सारी सेटिंग कर लो और आप अपने भी पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी जल्दी जाके आप भी अपनी सारी सेटिंग चेक कर लें, दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि पहले अपडेट कुछ और था, अब ये नया अपडेट है। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, बस अच्छी लगी हो तो ज्यादातर लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।